हमारे खुदावंत यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका आठवां बाब 23 से 27 आया तक। एक दिन जब यीशु कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंत बचा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, ए कम एतकादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा तो बड़ा अमन हो गया। और लोग ताजुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी इसकी मानते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि कफरनहूम में यीशु मसीह का दिन बहुत ही मसरूफ गुजरा था, इसलिए जब शाम हुई तो उन्होंने शागिर्दों से कहा कि आओ झील के पार चलते हैं। जब यीशु कश्ती में कफरनहूम से रवाना हुए तो और भी कुछ कश्तियां फासले पर उनके साथ थीं। मसीह यीशु जो इतना मसरूफ दिन गुजरने के बाद थक गए थे, इसलिए वो कश्ती के पिछले हिस्से में एक गद्दी पर सर रख कर सो गए। यहाँ पर रसूलों में से बाज़ तजर्बाकार मलाह थे, लेकिन ये सफर खतरे से खाली नहीं था। गलील की झील की सतह का पानी काफी गर्म होता है और झील के इर्द गिर्द पहाड़ हैं। कभी भी जब पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा झील के गर्म पानी से टकराती है तो अचानक तूफान आ जाता है। इस सफर पर भी यही हुआ। तूफान की वजह से लहरें कश्ती से टकराने लगी और कश्ती इस हद तक पानी से भर गई कि वो डूबने के खतरे में थी। मगर इस सब के बावजूद मसीह यीशु की आंख नहीं खुली। रसूलों ने पहले भी तूफान में कश्ती चलाई थी, लेकिन इस बार तूफान इतना शदीद था कि उनसे कश्ती संभल नहीं रही थी। जब उन्हें लगा कि वो डूबने वाले हैं तो उन्होंने यीशु को जगाया और कहा, मालिक हम मरने वाले हैं, हमें बचा ले। यीशु ने रसूलों से कहा, आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? आखिर तुम्हारा ईमान इतना कमजोर क्यों है? आखिर उसने हवा और झील को डांटा। इस पर हवा फौरन रुक गई और झील पुरसकून हो गई। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर दंग रह गए। जिस झील में ऊंची ऊंची लहरें टाटे मार रही थी, वो एक ही लम्हे में बिल्कुल साकिन हो गई। शागिर्द बहुत डर गए और एक दूसरे से कहने लगे कि आखिर ये है कौन? हवा और लहरें तक इसका हुक्म मानती हैं। हमें ये जानकर बड़ी तसल्ली मिलती है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह तूफान जैसी तबाहकुन कुदरती ताकतों पर इख्तियार रखता है। जब वो जमीन पर हुक्मरानी करेगा तो जमीन के बाशिंदे महफूज होंगे, क्योंकि हर तरह की कुदरती आफतों का नामो निशान मिट जाएगा। Radio Veritas Asia.